पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है बॉडीज एब्सिस। तो अपन देखते हैं कि जो बॉडीज एब्सिस है ये किसका पार्ट है और इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो बॉडीज एब्सिस है ये ऑस्टियोमेलाइटिस का पार्ट होता है। तो ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है कि अपनी बोन्स के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे अपन ऑस्टियोमेलाइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोमेलाइटिस यहाँ पर टू टाइप का होता है, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट के भी टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑस्टियोमेलाइटिस। क्रोनिक के भी टू टाइप्स होते हैं, गेट्स ऑस्टियोमेलाइटिस एंड बॉडीज एब्सिस। तो अपन ये सारी वीडियोज जो है अपन पहले देख चुके हैं, तो अपन अब लास्ट वाला पढ़ते हैं बॉडीज एब्सिस। तो यहाँ पर बॉडीज एब्सिस है, तो अपन देख लिया कि ऑस्टियोमेलाइटिस का टाइप है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्टियोमेलाइटिस। ये ऑस्टियोमेलाइटिस का एक स्पेशल टाइप है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इन विच द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, जो अपनी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना, हैव बीन एबल टू कंटेन द इन्फेक्शन सो एज द क्रिएट अ क्रोनिक बोन एब्सिस। तो वो क्या करता है ना, यहाँ पर एक क्रोनिक बोन एब्सिस क्रिएट करता है जो कि मिलकर बना हुआ होता है पस और जेली लाइक ग्रेनुलेशन टिश्यूज से, जो कि कहाँ पर देखने को मिलते हैं अपन को, सराउंडेड बाय जोन ऑफ स्क्लेरोसिंग। इसको अपन फिगर के अंदर देखते हैं। तो ये डायग्राम है यहाँ पर बॉडीज एब्सिस का। तो यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अंदर पस है जिसको अपन ने कहा था जेली लाइक ग्रेनुलेशन टिश्यूज, ठीक है। और ये यहाँ पर जिसकी मार्जिन है इसको यहाँ पर नाम दिया गया है स्क्लेरोटिक मार्जिन। अपन पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ऑस्टियोमेलाइटिस वगैरह क्या होता है। उसके बाद आते हैं इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। द पेशेंट इज यूजुअली बिटवीन 11 टू 20 ईयर ऑफ एज। तो अपन को सबसे ज़्यादा उन पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है जिनकी जो एज है वो 11 टू 20 ईयर्स की है। कॉमनली साइट आर द अपर एंड ऑफ द टीबिया एंड लोअर एंड ऑफ फीमर। तो अपन को इसकी कॉमनेस्ट साइट है जहाँ पर अपन को सबसे ज़्यादा ये बॉडी से एब्सिस देखने को मिलता है, वो है अपर एंड ऑफ टीबिया, टीबिया का अपर एंड, एंड लोअर एंड ऑफ फीमर, फीमर का लोअर एंड, टीबिया का तो अपर पार्ट एंड फीमर का लोअर पार्ट। इट इज़ यूजली लोकेटेड एट द मेटाफाइसिस। तो ये अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मेटाफाइसिस पे। अपन ने यहाँ पर भी देखा कि ये जो बन रहा है ये यहाँ पर मेटाफाइसिस ही होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन मेटाफाइसिस कहते हैं। तो अपन को ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर भी यही कहा है कि सबसे ज़्यादा ये अपन को मेटाफाइसिस वाले एरिया पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बोरिंग पेन अपन को देखने को मिलता है, इट इज़ अ प्रीडोमिनेंट सिम्टम। और ये जो पेन होता है ना, इट में बिकम, तो अपन को नाइट के अंदर ही ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, और जब जो कोई पर्सन है वो वॉकिंग वगैरह करता है तो उस टाइम उसको जो पेन है ना ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो रेस्ट करेगा तो उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा। कभी कभी अपन को क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर अपन को ट्रांजिएंट इन्फ्यूजन देखने को मिलता है एडजेसेंट जॉइंट ड्यूरिंग एक्सर्बेशन। मतलब ज़्यादा वर्क वगैरह करेगा तो वहाँ पर अपन को ट्रांजिएंट इन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो ये इसका सिम्टम है। एनी एग्जामिनेशन में रिवील टेंडरनेस एंड थिकनिंग ऑफ द बोन। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पर हमको टेंडरनेस एंड जो बोन है उसकी थिकनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद आते हैं इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स। तो इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर आता है द रेडियोलॉजिकल पिक्चर्स इज डायग्नोस्टिक असो अ सर्क्यूलर और ओवर यूलेंट एरिया सराउंडेड बाय जोन ऑफ स्क्लेरोसिंग। तो स्क्लेरोसिंग जो एरिया होता है ना, वहाँ पर अपन को सर्कुलर एरिया देखने को मिलता है एंड ओवर लूसेंट एरिया देखने को मिलता है। इस तरह से अपन उसका रेडियोलॉजिकल फीचर्स, इस तरह से अपन उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द बोन इज नॉर्मल, और जो बाकी के जो पार्ट होंगे ना वो अपन को नॉर्मल देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। तो उसका ट्रीटमेंट अपन ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। सर्जिकल एवेल्युएशन एंड द क्यूरेटिव इज परफॉर्म्ड अंडर एंटीबायोटिक कवर्स इफ द कैविटी इज लार्ज इट इज पैक्ड विथ केयरलेस बोन चिप्स। तो इसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं सर्जिकल एवेल्युएशन के साथ एंड क्यूरेटिव इज परफॉर्म अंडर एंटीबायोटिक कवर्स। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इफ द कैविटी इज लार्ज, अगर कैविटी लार्ज है तो अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज पैक्ड विथ केयरलेस बोन चिप्स के साथ अपन इसको कवर कर सकते हैं। इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।